हेलो एवरीवन वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत फिजिक्स फैकल्टी एट एटीपी स्टार तो आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन आज के छोटे सेशन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों कि फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स हम कैसे बनाएं ताकि लॉन्ग टर्म में ये हमारे साथ रहें और जब भी हम इनको रिवाइज करें तो पूरी की पूरी ऑलमोस्ट चीजें हमारी रिवाइज हो जाए और प्रॉब्लम्स बनाने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो तो नीट के 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 एस्पिरेंट्स लिए उनके फिजिक्स नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक प्रॉपर ऑर्डर में बनाना बहुत जरूरी होता है बच्चों तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या ऑर्डर और क्या पैटर्न हमको फॉलो करना चाहिए ताकि हमको आगे कभी भी दिक्कत ना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द एंड दंसेप्ट आर देयर इन योर नोट्स ठीक है सारी थियरी और कंसेप्ट सबसे पहले आप एक जगह एकत्रित करें सबसे जगा पहले उनको बहुत अच्छे से लिखें और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है या डेफिनेशन है जो कि प्रॉब्लम्स में यूज होने वाली है उनको आप अंडरलाइन करें एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस अंडरलाइन करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यों क्योंकि जब आप गो थ्रू हो रहे हो तो आप मोटे-मोटे तौर पे उसी से हर बार गो थ्रू हो पाए जितनी बार आप रिवीजन करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है आगे चलते हैं थ्योरी और कंसेप्ट के बाद न्यूमेरिकल्स लिखे होने चाहिए सबसे पहली बात थ्योरी और कंसेप्ट के बाद न्यूमेरिकल लिखे होने चाहिए सिर्फ ये दो चीज़ पढ़ के आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हैं ये बात आप एकदम दिमाग में रखिएगा ठीक है रिविजन का पार्ट होता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बच्चों ठीक है तो न्यूमेरिकल किस लेवल के लेने हैं सबसे पहली बात तो ये न्यूमेरिकल जो आपके क्लास नोट्स में जो भी आपके क्लास टीचर ने कराए हैं दैट्स वेल एंड गुड दैट्स वेरी ऑसम बट आपको यह कोशिश करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप न्यूमेरिकल्स के अंदर मस्ट रूप से एडमिट करें और हर एक टॉपिक के साथ एटलीस्ट 10 से 15 न्यूमेरिकल आप एसोसिएट करें ठीक है बच्चों हर एक टॉपिक के साथ 10 से 15 न्यूमेरिकल एसोसिएट करें नॉट इन अ बुकिश फॉर्मेट याद रहे एकदम बुकिश फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए जो चीजें आपने थे और कंसेप्ट लिखी है उसी से रिलेटेड क्या होने चाहिए पीवाई क्यूज होने दस क्वेश्चन तो होने ही चाहिए और खासकर मैकेनिक्स में इनकी सीमा

आसान लगने चाहिए क्या कि आप कभी भी आओ तो छः सात पलने बहुत इजीली आप क्या कर लो बेटा चीजों को कर पाओ ठीक है आगे की तरफ चलते हैं ये शॉर्ट नोट जो है बेटा दिस इज अ की टू तो सक्सेस इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना है जो शॉर्ट नोट्स कर रहे हो ना तो शॉर्ट नोट में प्रॉब्लम भी लिखेंगे मैं दोबारा बताता हूं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आप पक्का लिखेंगे जो भी अच्छी सोल्यूशन मत लिखिएगा अगर आपको आता है तो बस आप ये शॉर्ट नोट इसलिए बना रहे हो ताकि इन नियर फ्यूचर जब भी रिवाइज करना हो क्विक डिविजन टाइप का करना हो तो मैं सात पेज रिवाइज कर लूँ एंड मेक श्योर कि इनमें आप प्रॉब्लम लिखो इनमें इनके सॉल्यूशन मत लिखिएगा ताकि जब हर बार आप रिवाइज करने आओ तो जो अच्छा प्रॉब्लम है बार बार आप उसके सॉल्यूशन को आप उसको करें और उसके कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से इनहेल कर पाए नाउ मूविंग ऑन बच्चों, अगर आपने पांचों चीज फॉलो की अगर आपने पांचों चीज फॉलो की तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू क्या कि ये पांचों चीज करने के बाद आप कोई भी एक किताब पकड़िए ठीक है ठेके? जो भी आपके टीचर ने रिकमेंड की हो ठीक है आप उस किताब से सवाल लगाना स्टार्ट करिए ये पांचों चीज करने के बाद आप सवाल लगाना स्टार्ट करिए ठीक है जो आपको खूब सारे प्रॉब्लम्स लगाने लगो बीस प्रॉब्लम पचास सौ प्रॉब्लम डेढ़ सौ प्रॉब्लम लेकिन लेकिन एक लिमिट में लगाइए एक लिमिट में लगाइए ठीक है एक, एक चैप्टर में आप डिसाइड कर लीजिए क्या कि भाई जैसे हमें डीपीपी करनी है एमपीपी करनी है एक ये किताब करनी है और जैसे ये तीनों चीज हो जाएंगी ठीक है आई विल बी डन विद द चैप्टर दैट्स इट ओके तो आप प्री डिसाइडेड कंटेंट पढ़िए ठीक है आप अपने दिमाग को एक विराम लगाइए कि भाई हमें पहले करना है और उससे ज्यादा अगर आप करना चाहते हो तो पहले आप एटलीस्ट ये चीज कर लीजिए उस पर्टिकुलर टाइम डोमेन में तो फिजिक्स को नोट फिजिक्स के नोट्स बनाने के लिए बेटा आपको ये पांचों और चीजें जो मैंने आपको बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स और एक और बात मैं आपको जोड़ना चाहूंगा हम अपना आरबीसी का एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि आपको पता ही है उसके एनरोलमेंट बेटा पांच फेबर से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है इस बैच में इस बात को पूर्ण रूप से ख्याल रखा जाएगा कि जो भी आपको कंटेंट दिया जाए जो भी क्लास में टीचर आपको पढ़ाए ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ नीट ओरिएंटेड हो कैसा हो बच्चों सिर्फ और सिर्फ नीट ओरिएंटेड हो ठीक है और इन सब चीजों का भी ख्याल रखा जाएगा ठीक है जो भी पैटर्न यहां पर बताया गया है आपको नोट्स भी उसी तरीके से बनवाए जाएंगे ठीक है तो नीचे दिए गए लिंक में आप टेलीग्राम को भी एक्सेस कर सकते हैं इस ग्रुप से जुड़े और आप एटीपी स्टार के साथ जुड़ सकते हैं सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास थैंक यू फॉर पेशेंट पेशनिंग